गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने से आपसे एग्जाम जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो अभी हम रिवीजन करेंगे जो भी हमने साल में पढ़ा है। और मेरी ये वीडियो मॉक टेस्ट है आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज के वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छे मार्क्स लेके जो है वो पास होंगे। ये मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि एग्जाम के नजदीक में आपको समझाया हुआ याद रह जाए। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का नाम लिखें। तो सबसे पहली जो सुरक्षा होती है उसे कहते हैं हम फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी से मतलब हमारा शरीर की सुरक्षा से है कि काम करती बार जो है हमें जो चोट लग जाती है उसको हम उससे बचने के लिए जो सेफ्टी हम अपनाते हैं उसे हम फिजिकल सेफ्टी कहते हैं। नंबर 2 पे जो सेफ्टी है उसे बोलते हैं हम वर्क सेफ्टी। वर्क सेफ्टी से हमारा अभिप्राय यह है कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस इंजन को हम खोल रहे हैं या किसी जॉब को जो हम बना रहे हैं उसकी सेफ्टी। और तीसरी जो सेफ्टी है वो है आपकी टूल सेफ्टी, यानी जिस टूल से हम काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी। तो ये 3 तरह की सेफ्टीज जो हैं वो होती हैं। सबसे पहले है फिजिकल सेफ्टी, दूसरी आपकी वर्क सेफ्टी और थर्ड आपकी टूल सेफ्टी। हर एक क्वेश्चन के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट आपका वीडियो है, सॉरी क्वेश्चन है, आग कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का नाम लिखें। सबसे पहली जो आग है उसे हम ए टाइप की आग कहते हैं, या सॉलिड फायर भी हम उसको कह देते हैं। इसमें वुड, पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक एंड रबड़ की जो आग है वो एक टाइप की आग में गिनी जाती है। नेक्स्ट है बी टाइप की आग। बी टाइप की आग में फ्लेमेबल लिक्विड आते हैं, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, पेंट एक्सेट्रा। इसमें आपका केरोसिन ऑयल भी अब इसी के अंतर्गत आता है। तीसरी प्रकार की जो आग है उसे हम कहते हैं सी टाइप की आग। गैस फायर जो है इसे हम सी टाइप की आग में इसकी काउंटिंग करते हैं। इसमें जो आग है आपकी एलपीजी, अमोनिया, हाइड्रोजन, एसिटिलीन और प्रोपेन आदि गैसें जो हैं ये सी टाइप की, इनमें जो लगी आग होती है वो सी टाइप की आग कहलाती है। नेक्स्ट जो टाइप की आग है वो आपकी डी टाइप की आग। और मेटल्स फायर जो है, यानी धातु में लगी हुई आग जो है वो डी टाइप की आग में आती है। इसमें एग्जांपल है आपके एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और पोटाशियम। मेटल में लगी आग जो है
हमारी डी टाइप की आग आती है। नेक्स्ट जो फायर है वह है हमारी ई टाइप की आग, और इसे हम इलेक्ट्रिकल फायर जो है इसके अंतर्गत आती है। इसमें आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल मोटर है या घर में यूज करने वाले अप्लायंसेस हैं, उनमें लगी आग जो है आपकी ई टाइप की आग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की आग को किस फायर एक्सटिंग्यूशर से बुझाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर। इस टाइप के फायर एक्सटिंग्यूशर से बिजली की आग जो है वो बुझाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो चित्र आपको यहां दिख रहा है, इस तरह का इक्विपमेंट जो वर्कशॉप में रखा हुआ होता है इसे हम फायर एक्सटिंग्यूशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल की आग को किस फायर एक्सटिंग्यूशर से बुझाया जाता है? तो सही आंसर है आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। फोम टाइप का एक्सटिंग्यूशर हम तेल के ऊपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये तेल के ऊपर जो है अपनी एक परत बना लेता है और उस आग को जो है वो जल्दी से बुझा देता है। और ये इस तरह का, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का फायर एक्सटिंग्यूशर होता है और उसके ऊपर पीली पट्टी जो है वो लगी हुई होती है जिसके ऊपर फोम लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसीपी फायर एक्सटिंग्यूशर की फुल फॉर्म क्या होती है? जितेंद्र मौर्य जी बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ड्राई केमिकल पाउडर। डी से ड्राई, सी से आपका केमिकल और पी से पाउडर, इसको ये फुल फॉर्म होती है ड्राई केमिकल पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए? और इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर को हम पानी से इसलिए नहीं बुझाते हैं क्योंकि पानी में जो है करंट आ जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल आग को जो है वो पानी से नहीं बुझाते हैं। हां, अगर आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई काट दी है तो उसके बाद हम पानी से उसको बुझा दे सकते हैं, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई उसमें है तो पानी से जो है वो इलेक्ट्रिक फायर को नहीं बुझाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सांस कितने तरीकों से दिया जाता है? कृत्रिम सांस को हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं और ये घायल व्यक्ति को बेहोश होने पर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका सेफर मेथड, और इसको ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें रोगी को पेट के बल लेटाया जाता है और जो फर्स्ट एडर होता है वो उसके
साइड में इस तरह से बैठकर अपनी हथेलियां जो हैं वो रोगी के पीठ के ऊपर रखता है और अपने शरीर का भार जो है इस घायल व्यक्ति के ऊपर डालता है, जिससे डायफ्राम यानी फेफड़ों में जो है रोगी के सांस जाता है और उससे रोगी का सांस चलना जो है वो शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट जो आपका मेथड है उसे कहते हैं हम सिल्वेस्टर मेथड, और इसको ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से जो है इसको दिया जाता है। इसमें रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है और रोगी के बाजू को जो है वो इस तरह से मोड़ते हैं, और मोड़ने के बाद इस पिक्चर में जैसे आपको दूसरी पिक्चर में दिख रहा है पीछे की ओर को बाजुओं को लाते हैं। इससे भी रोगी के फेफड़ों में जो है वो सांस भरता है और रोगी जो है वो का जो सांस जो है वो चलने लग पड़ता है। इस क्रिया को जो है वो बार बार करते हैं जब तक रोगी का सांस जो है वो चलने शुरू ना हो जाए। तीसरा जो तरीका है वो है आपका माउथ टू माउथ मेथड, और इसको इस चित्र में दिखाए गए ढंग से दिया जाता है। इसमें घायल को पीठ के बल लेटाया जाता है और फर्स्ट एडर जो है अपने मुंह में हवा भरकर घायल के मुंह के साथ मुंह लगाकर अपने मुंह में भरे हुए हवा को जो है वो रोगी के मुंह में छोड़ता है, जिससे फेफड़ों में हवा जो है वो जाती है। और ये क्रिया भी हम तब तक करते हैं जब तक रोगी का सांस चलने शुरू नहीं हो जाता। तो ये तीन तरीकों से जो है हम कृत्रिम सांस, जिसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं, दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि को लोबार प्रोसेस रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है माउथ टू माउथ प्रोसेस, और इसको इस तरीके से दिया जाता है जिसका डिस्कस हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेध चिन्ह यानी प्रोहिबिशन साइंस की परिभाषा लिखें। तो इसका जो आंसर है कि इनका आकार गोल होता है, इनका बॉर्डर तथा क्रॉस बार लाल रंग की होती है, बा काला चिन्ह सफेद पट्टी पर बना होता है, जिसका मतलब है कि ये यहां मना है, जैसे कि धूम्रपान इत्यादि। निषेध का मतलब होता है मनाही। तो ये चिन्ह जो है वो किस तरह से होता है, जैसे कि इसमें डेफिनेशन में पढ़ा कि इसका जो आकार है वो गोल होता है और क्रॉस बार जो है वो लाल रंग की होती है, व काला चिन्ह ये जो सिगरेट का
चिन्ह बना हुआ है, काला चिन्ह जो है वो सफेद पट्टी के ऊपर बना होता है। तो जहां भी आप इस तरह का चिन्ह देखें तो उसका मतलब है कि वहां पर वो काम करना जो है वो मना है। और ये साइन जो है वो आपको ज्यादातर पेट्रोल पंप के ऊपर देखने को अक्सर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सांस की किस विधि में रोगी को पेट के बल लेटाया जाता है। तो पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा कि घायल को अलग अलग पोजीशन में लेटाकर कृत्रिम सांस दिया जाता है। तो उसमें जो विधि है जिसमें हम रोगी को पेट के बल लेटाते हैं वो है हमारी सेफर मेथड। दूसरे दोनों तरीकों में जो है वो रोगी को पीठ के बल जो है वो लेटाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस विधि में घायल को जो है वो पेट के बल लेटाया हुआ है और ये जो फर्स्ट एडर है ये अपना हाथ जो है वो यहां पीठ पर रखकर जो है अपने शरीर का भार जो है वो घायल के ऊपर डालता है, जिससे घायल के फेफड़ों में सांस अंदर बाहर होती है और उसका नॉर्मल सांस जो है वो चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क ऑफ फायर का चेतावनी चिन्ह बनाएं। तो जो भी हमारे वार्निंग साइंस होते हैं, चेतावनी चिन्ह होते हैं, वो किस तरह के बने होते हैं, उनकी पहचान होती है कि वो ट्रायंगल में बने होते हैं और काले रंग की पट्टी जो है वो बॉर्डर जो है वो बना होता है और बीच में पीले कलर के ऊपर लाल चिन्ह जो है वो बना हुआ होता है। तो जहां पर ये आप इस तरह का साइन देखते हैं तो उसका मतलब है कि यहां पर आग लगने का खतरा है। तो ये जो चिन्ह है आपका ये रिस्क ऑफ फायर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा खाली स्थान का प्रयोग करना चाहिए। खाली स्थान का मतलब है कि ये जो डॉट डॉट यहां पर लगे हुए हैं इस जगह पर आपने सही वर्ड जो है वो फिल करना है। तो अमूमन सभी को पता होता है कि आंखों की सुरक्षा के लिए जो हम गॉगल्स का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर है हमारा गॉगल्स यानी चश्मा। और चश्मा जो है आपका इस तरह का हम जो है वो यूज कर सकते हैं, सेफ्टी गॉगल्स, जिसमें हम ग्राइंडिंग करती बार या ड्रिलिंग करती बार जो है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में कार्य करते समय पैरों में खाली स्थान का प्रयोग करना चाहिए। तो सही आंसर है बिल्कुल ठीक जितेंद्र, तो सही आंसर है शूज। और क्या हमें नहीं पहनना चाहिए, तो इसका सिंबल जैसे कि हमने पीछे प्रोविटेशन साइंस में या निषेध चिन्ह में पढ़ा, बॉर्डर गोल है, लाल कलर का है और क्रॉस बार भी लाल कलर का है और सफेद पट्टी के ऊपर ये चिन्ह जो है वो काला बना हुआ है। तो यहां पर चिन्ह जो है वो आपका चप्पल बना हुआ है। तो जहां पर भी आप इस तरह का साइन देखें तो इसका मतलब है कि यहां पर चप्पल डालना अलाउ नहीं है। और वर्कशॉप में हमें क्या पहनना चाहिए, ये आप इस पिक में देख रहे हैं, ये जो है हमारे सेफ्टी शूज हैं और इन सेफ्टी शूज में इस जगह पे जो है वो लोहे का एक पार्ट जो है वो लगा हुआ होता है, जिससे अगर कोई इंजन का पार्ट या कोई और जॉब हमारे पैर के ऊपर घिरती है तो हमें जो है वो चोट जो है वो कम से कम लगे, इसके लिए हम वर्कशॉप में जो है वो
सेफ्टी शूज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिजली की आग को खाली स्थान से नहीं बुझाना चाहिए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो इसका सही आंसर है वाटर, यानी पानी से जो है वो बिजली की आग को नहीं बुझाना चाहिए क्योंकि हमें करंट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर तुरंत घायल को खाली स्थान देनी चाहिए। तो जब किसी को चोट लग जाती है तो हमें सबसे पहले क्या देना चाहिए उसे, वो है आपका फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार। और फर्स्ट एड की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि घायल को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उपचार दिया जाता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, यानी प्राथमिक उपचार या प्रारंभिक उपचार जो है वो कहते हैं। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे वाले वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चन के भी ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों से हेल्प मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक के, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियो बनाऊं और आपको आने वाले एग्जाम में उसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।